बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल 4.22 पढ़ेंगे। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के हवाले से, इसमें पाई और क्यू फंक्शन दोनों यूज़ होंगे। देखें, इसमें हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें इनपुट वोल्टेज वी आ रहा है, सही है। अभी आउटपुट वोल्टेज हमारे पास है अल्फा सॉरी वाई, विच इज़ इक्वल टू अल्फा वी प्लस एन। यानी जो है कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या पे कोई चैनल से ये ट्रांसमिट होगा रिसीवर साइड पे, तो ज़रूर यहाँ पे एटेन्यूएशन आएगी। तो अल्फा से गिवन है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 10^-2 है, सही है। ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कभी गेन यूनिट भी लगाए जाते हैं, सही है, ताकि इन्हांस करे। और इसके साथ साथ चैनल में ज़रूर नॉइस आएगी, सही है। और ये हमारे पास नॉइस टर्म है, और इस केस में ये हमारे पास गाशियन रैंडम वेरिएबल है, और इसके पैरामीटर जो है हमारे पास, इस गाशियन जो है ये सेंटर अराउंड मीन है, सही है, यानी जीरो मीन गाशियन नॉइस है, और रैंडम सॉरी इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमारे पास 2 है। अभी मैंने वोल्टेज की, इनपुट वोल्टेज की वो वैल्यू फाइंड करना है जिस पे आउटपुट वोल्टेज की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 की 10^-6 बने। तो देखें, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन 0 इज रिटन इन टर्म ऑफ एन एस पालो, सही है, के प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन 0 का मतलब ये है कि अल्फा प्लस वी प्लस एन इज लेस देन 0, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एन इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस अल्फा वी। और अभी ये जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी दैट एन माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा और माइनस अल्फा वी माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा, ये बन गया। अभी प्रोबेबिलिटी दैट एन माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल टू 10^-2 वी माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट एन माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई 200, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, और यह भी सिर्फ अल्फा और वी की वैल्यू प्लग इन की। इसके बाद ये हमारे पास देखिए सी डी एफ की है कि नॉर्मल की वैल्यू एक पार्टिकुलर वैल्यू से लेस हो। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो लेट सपोज ये हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह, सही है, एक पार्टिकुलर पॉइंट तक ई सी डी एफ भी है, और ये हमारे पास क्यू फंक्शन भी है कि अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफिनिटी अप टू दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास वही अपर लिमिट है, लेकिन बाई सिमेट्री ये टेल, यह लेट सपोज ये जो रीजन है इसमें जितना वो एरिया लाई कर रहा है एग्जैक्टली सिमिलर एरिया अगर इस टेल में है तो इसमें भी लाई कर रहा है। और ये लेट सपोज माइनस इनफिनिटी से इस पॉइंट तक की हमारे पास पाई फंक्शन है, तो एग्जैक्टली लेट सपोज ये माइनस 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 से इनफिनिटी तक की एरिया भी सेम है, लेकिन इसको जो है पास टेल को क्यू फंक्शन बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्यू फंक्शन की इक्विवेलेंट है, लेकिन साइन इनवर्ट होगी। तो हमारे पास क्यों फंक्शन है, एक लेफ्ट टेल की प्रोबेबिलिटी है, एक राइट टेल की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये सिमिलर है तो एग्जैक्टली दोनों सेम आएंगी इसकी वैल्यू। तो अभी इसकी जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास है 10^-6, तो वैल्यू यहाँ पे हमने प्लग इन की 10^-6 के बाद। अभी हमारे पास ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल में हमारे पास ये वैल्यू है कि क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 10^-k है, लेकिन अभी मैंने इसे एक्सपैंड करना है तो मैंने क्यू को उस साइड ले जाना है, तो क्यू इनवर्स 10^-k हो गया, इसे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अभी के की वैल्यू हमारे पास 6 है, सही है, तो के की वैल्यू हम यहाँ पे एक वैल्यू प्लग इन करेंगे, ये 6, तो इसे हमारे पास करिस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आएगी जो कि 4.7535 है। तो हमारे पास वी डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 4.7535 है, सही है, तो इसे हम वी निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास 950.6 वोल्ट आ गया। तो दिस अगेन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था जिसमें नॉर्मल जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन इन्वॉल्व, लेकिन बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडल्स है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिना वो मॉडल आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो ये कैलकुलेशन इंतहाई लाजमी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से कुछ डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स, जो बिल्कुल वेल नोन टाइप प्रॉब्लम है लेकिन उसमें नॉर्मल की सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो हम स्टार्ट कर लेंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।